सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल आप सबके? हाँ जी, मैं बलजिंदर सिंह न्यूजीलैंड से। कुछ दिन पहले एक्चुअली कोई अपने ब्रदर थे, उन्होंने बोला था कि BW और PW क्या है। सो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सो मैं हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे देखने वाले जो जिनको हिंदी समझ में आती है, सो या हिंदी में वीडियो बनाएंगे। सो जी, BW का मतलब है सर ब्रीडिंग वर्थ, और PW का मतलब है प्रोडक्शन वर्थ। सो ये समझे गए हो कि ब्रीडिंग ब्रीडिंग के रिलेटेड है, जेनेटिक के रिलेटेड है BW, और PW प्रोडक्शन जो मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर है। सो सबसे पहले तो ब्रीडिंग ब्रीडिंग वर्थ का मतलब होता है उसकी जेनेटिकली उसकी क्षमता कितनी है, उसकी एबिलिटी कितनी है आगे की जनरेशन पैदा करने के लिए। और प्रोडक्शन वर्थ का मतलब है कि उनका जो पूरे साल का या एक सीजन का उनका मिल्क प्रोडक्शन क्या है। और ये दोनों चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप मतलब हर साल आप अपने पशुओं का रिकॉर्ड रखते हो, हर एक गाय का, जैसे कि हर टेस्ट करते हो। तो ये अगर अगर ये आप नहीं करते, और दूसरी बात, अगर कोई फार्मर ऐसे भी हैं न्यूजीलैंड में जो उनका अनरिकॉर्डेड हर्ड है पूरा, मतलब उनकी गाँव का वो कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, कोई डिजिटल डाटा अपडेट नहीं करते, कोई ट्रीटमेंट माइंड में नहीं डालते ऑनलाइन, कोई ड्राई ऑफ का नहीं डालते, हर टेस्ट नहीं करते, और उनको ये नहीं पता कि उन्होंने मतलब किसका सीमेन लगाया है या बुल वो कौन सा छोड़ रहे हैं। सो ऐसे अनरिकॉर्डेड हर्ड भी हैं न्यूजीलैंड में, मतलब कई फार्मर से लेजी कह लो थोड़ा, कि वो नहीं करना चाहते, उनको इंटरेस्टेड नहीं है। और ज़्यादातर फार्मर हर साल लगातार हर टेस्ट कराते हैं। हर टेस्ट में मतलब आपको पहले बताया था कि हर एक गाय का एक सैंपल लिया जाता है एक फ्लास्क में, फिर उसको लैब में ले जाके टेस्ट किया जाता है, तो उसका पूरा आता है, फैट, प्रोटीन, मिल्क सॉलिड्स और सोमेटिक सेल। अभी BW PW बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो कि अगर आपने गाय खरीदनी है किसी से, ठीक है जी, और आपको कल करना है पशु, मतलब फैक्ट्री भेजना है, उसके लिए आपको गाय को सेलेक्ट करना है कि मैं कौन सी चूज़ करूँ कौन सी ना करूँ, और फिर आगे जो ब्रीडिंग नेक्स्ट सीजन की जो मेटिंग करनी है, सो उसके रिलेटेड बुल मैं कौन सा चूज़ करूँ या सीमन मैं कौन से बुल का लगवाऊँ, तो इन सब में BW PW बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अभी हम क्या करते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड में रिप्लेसमेंट रेट है आई थिंक 20 से 25%, मतलब कि हर साल हर फार्म पे एटलीस्ट 20% नया हर्ड आता है, मतलब जो जो कि बच्चियाँ आती हैं छोटी 1-2 साल की, जिन्होंने फर्स्ट टाइम काविंग होना जिनका। सो 20% हर्ड सबका नया होता है हर साल। तो अगर मान लो मेरे पास, मैं इस फार्म पे 450 गाय है, और हाँ हम हर साल 80 न्यू हैफर्स आती हैं हमारे हर्ड में हर साल। तो अभी मैंने 450 के ऊपर रखना ही नहीं है, तो चलो कुछ मर जाती हैं मान लो थ्रू आउट द सीज़न, कुछ काविंग में मर जाती है, फिर कभी और कुछ सिक हो गई, कई बार हम शूट कर देते हैं, कोई ऐसी 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 बीमारी हो जाती है जिससे मान लो वो रिकवर नहीं हो रही। तो मान लो कि 30 गाय ऐसे मर गई साल में, कोई सिक हो गई, कोई किसको मिल्क फ्यूर से मर गई, कोई कोई मेटिंग में मर गई, कैसे भी। अभी मेरे पास 50 काउ सरप्लस है, ज़्यादा है, क्योंकि हैफर्स तो आनी ही आनी है 80। तो अब मैंने उन 50 गाय निकालनी है अपने हर्ड से बाहर, जिनको मैंने मीट के लिए फैक्ट्री भेजना है। तो अब मैं कैसे चूज़ करूँगा कि यार मैं कौन सी गाय को सिलेक्ट करूँ कि जो जिनको मैंने फैक्ट्री भेजना है। तो ऑब्वियस जिनका प्रोडक्शन बहुत बुरा रहा होगा इस सीज़न में मान लो, या कोई बहुत ज़्यादा सिक हुई है लगातार, बीमार पड़ रही है, या वो लंगड़ी हो रही है लगातार, और सबसे बड़ी बात जिसका हाई सोमेटिक सेल है बहुत ज़्यादा,
और जिनका ब्रीडिंग और बीडब्ल्यू और पीडब्ल्यू लो है उनको मैं सिलेक्ट करके, जो सबसे लोएस्ट है पूरे हर्ड में उनको सिलेक्ट कर लूँगा। डजेंट मैटर उनकी एज क्या है, ज़्यादातर लोग ओल्ड गाओ को ज़्यादा भेजते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जिनकी जिनका फिगर्स अच्छा नहीं है जो गाँव का, उनको भेजना चाहिए अगर आपको भेजना पड़ रहा है तो। अभी बीडब्ल्यू को रीड कैसे करते हैं ये भी, अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जल्दी ही बनाऊंगा, क्योंकि वो पूरा आपको दिखाएंगे पूरा स्क्रीन पे कि हम कैसे डाटा डालते हैं और कैसे जब कोई गाय सूती है, कोई ब्यात हो गई, कोई नई काविंग हो गई, तो उसके बाद हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे क्या देखते हैं कि हाँ ये बछड़ी हमें रखना है या नहीं रखना है। तो बीडब्ल्यू का दो दो फिगर्स होते हैं सर जी, जैसे ऐसे लिखा होगा 150/70, मान लो ऐसे लिखा है 150/70। इसका मतलब ये होता है सर जी, क्योंकि बहुत लोगों को इसको रीड करना नहीं आता, इसका मतलब ये हुआ कि गाय की जो एक्चुअल बीडब्ल्यू है, ब्रीडिंग वर्थ है, वो 150 है, 150 है, और जो उसके नीचे का जो दो दो वर्ड है, मान लो 70 है, तो इसका मतलब ये होता है कि 70% ये श्योर है कि इस गाय की बीडब्ल्यू 150 है। मैंने बहुत ऐसा देखा है, जैसे हमारे हर्ड में ऐसी गाय हैं जिनकी बीडब्ल्यू 250/99 भी है, सो उनकी 250 BW है, ये 99% श्योर है, मतलब ये फिगर होता है। ऐसा भी होता है मान लो 120/33, 120/50 कि 50% इसकी ये BW सही है, सो ऐसे उसको रीड करते हैं। और हमारे फार्म पे ये पॉलिसी है इस पे कि 100 BW होना चाहिए, अगर 100 से नीची है बछड़ी, अब कोई मान लो नई गाय अभी अभी काविंग हुई है, तो उसका रिकॉर्ड देखेंगे डिजिटल फ़ोन पे ऐप में डाल के, तो उसमें आ जाएगा मान लो उस बछड़ी की BW आ गई 95/70, तभी भी हम नहीं रखेंगे, अगर 100 से ऊपर है तभी ही रखेंगे। और प्रोडक्शन वर्थ का सर ऐसे ही होता है, उसमें उसमें ऐसे दो दो डिजिट होते हैं, सो उसका मतलब यही होता है कि ये मतलब इसके पूर्वजों का प्रोडक्शन कैसा था, अभी ये कैसा कर रही है। और ये इन दोनों का पशु के प्राइस में, गांव का जैसे रेट रेट लगता है ना, कि ये मैंने मान लो मैंने कोई 50 गाय बेचनी है, तो अगर जिसको मैंने बेचनी है वो बंदा मेरे को सीधा मेरी उस 50 गांव की प्रोफाइल मंगवाएगा फ़ोन करके या ईमेल पे, या एजेंट बोलेगा कि उसको भेजो यार इसका ईमेल आईडी है, या वो खुद देखने आएगा, तो मैं उसको प्रिंट आउट करके निकाल के रखूँगा, तो उसमें से हर एक गाय का मतलब बर्थ आईडी, तो उसकी एज आ जाएगी उससे, फिर उसका फैट प्रोटीन मिल्क सॉलिड क्या था, सोमेटिक सेल क्या है, और मेनली उसकी BW और PW ये होना मस्ट है। और फिर वो बंदा सेलेक्ट करेगा, और 3% रिजेक्शन रेट होता है, ये यहाँ की पॉलिसी है कि आप 3% हर्ड को आप रिजेक्ट कर सकते हो। मान लो आपने 10 गाय लेनी थी, सो अगर आपको उनमें से, आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप उनमें से 3 गांवों को आप रिजेक्ट कर सकते हो अगर आपको वो पसंद नहीं आई, तो वो BW PW मस्ट देखेगा। अगर मैंने बाई करनी है तो मैं भी देखूंगा, क्योंकि मेरे फार्म की पॉलिसी है कि मैं 100 से नीचे रखता ही नहीं हूँ। और फिर यही BW और PW आगे की जनरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगी, फिर इसी के द्वारा हम सेलेक्ट करते हैं कि मैंने बुल कौन सा छोड़ना है, किस कौन से बैच के बुल का मैंने सीमन यूज़ करना है, और फिर यही उनकी हिस्ट्री है। BW और PW बताता है कि इनके पूर्वज पीछे क्या थे, और ये इनकी आगे वाली आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसी होगी। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो जब मैंने कल करने के लिए गांवों के लिस्ट बनानी है, तो मैं ऑब्वियस देखूंगा कि लोएस्ट PW और लोएस्ट BW की जो भी गाय होगी मैं उनको कल कर दूंगा, उनको फैक्ट्री भेज दूंगा, क्योंकि उसका कारण डायरेक्ट यही है कि वो खा ज़्यादा रही है और उनका प्रोडक्शन कम रहा है। और ये रिकॉर्ड मेरे को तभी मिलेगा जब मैं उनका रेगुलर हर टेस्ट करवाऊंगा। अभी हमारे फार्म पे हम साल में 4 हर टेस्ट करवाते हैं, जैसे एक होता है हमारा नवंबर में, फिर दिसंबर छोड़ के फिर जनवरी में, फिर फरवरी छोड़ के मार्च में, या ऐसे ऐसे तीन तीन या चार हम करवाते हैं हर साल।
उनकी वजह से मेरे पूरे हर्ड का जो डिजिटल रिकॉर्ड है, जो BWPW है, जो प्रोडक्शन का रिकॉर्ड है, वो अप टू डेट रहता है। और जब मैंने अभी जो अनरिकॉर्डेड हर्ड होगा उसकी गाय का रेट लगेगा $1,000 से $1,200 पर काउ। और अगर मेरा, अगर किसी का हर्ड रिकॉर्डेड है, पूरी हिस्ट्री पता है, तो उनका लगेगा $1,800 से $2,200 के बीच में, डिपेंड करता है कि मार्केट क्या चल रही है। सो इसीलिए BWPW बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर टेस्ट से इसका और भी फायदा है, किसमें मतलब सिमेटिक सेल का पता जल्द 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 मतलब मेस्टाइटिस का डायरेक्ट लिंक है सिमेटिक सेल के साथ। सो हाई सिमेटिक सेल हर्ड में नहीं, हम नहीं रखते यहाँ फार्म पे, चाहे वो गाय कितनी भी अच्छी हो, अगर उसको रिपीट मेस्टाइटिस हो रहा है तो हम उसको नहीं रखते, क्योंकि मेस्टाइटिस ऐसे गाय से दूसरी गाय में फैल जाता है। इसके बहुत से रीजंस हैं। सो अभी मैं जल्दी ही मैं बनाऊंगा कि वो पूरा एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए कि हम यहाँ पे रिकॉर्ड हम कैसे अप टू डेट रखते हैं, तो और BWPW कैसे देखते हैं पूरा डिजिटल, वो स्क्रीन पे आपको देखोगे तो मतलब उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। सो अभी मेरी गाय आ रही है, वो सामने आ गई, तो मैं आफ्टरनून की मिल्किंग शुरू करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉमेंट। मैं उनका नाम भूल गया, आई थिंक वो ब्रदर पाकिस्तान से हैं शायद, जिन्होंने ये पूछा था। तो शुक्रिया सर जी, आप ऐसे अप्रिशिएट करते रहिए, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।